सो हे गाइस, व्हाट्सअप हो रहा है, फिर से स्वागत है आप लोगों को और एक नया कमल की वीडियो में। और गाइस, आज मैं बात करूंगा यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F50 का अक्टूबर महीने की अपडेट के बारे में, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें नया नया ऐड होने वाला है, साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आ रही है इस अपडेट के अंदर। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, यहाँ पर मैं आप लोगों को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। और अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, साथ साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहता हूं। तो चले गए इस वीडियो तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये गैलेक्सी F50 है, इसके अंदर जो अक्टूबर महीने का अपडेट आने वाला है, इस अपडेट के अंदर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कि इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नए नए फीचर्स भी ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि अक्टूबर महीना जो अपडेट है वो यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया रिलीज़ कर दिया गया है। इसका जो साइज़ है लगभग यहाँ पर 123 MB के आसपास है, जो कि आउट ऑफ इंडिया रिलीज़ हो चुका है। तो ये बहुत जल्द हमारे इंडिया के अंदर भी रिलीज़ हो जाएगा, साथ साथ यहाँ पर जो बांग्लादेश है यहाँ पर भी रिलीज़ हो जाएगा बहुत जल्द। हालांकि अभी तक भी यहाँ पर सितंबर महीने का अपडेट नहीं आया है हमारी गैलेक्सी F50 के अंदर, बट बहुत ही जल्द हमारी गैलेक्सी अंदर ये जो सितंबर महीने का अपडेट है वो मिल जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि अक्टूबर महीने के अपडेट के बारे में। तो कैसे यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ, जो अक्टूबर महीने का अपडेट होगा यहाँ पर मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेजर इंप्रूव किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा पिछले अपडेट के अंदर मतलब कि अगस्त महीने का जो अपडेट आया था, इस अपडेट के अंदर जो GPU है वो यहाँ पर मतलब कि इसको ठीक कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके लिए यहाँ पर जो गेमिंग प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। बट नाउ अब यहाँ पर GPU को ठीक करने के बाद जो कि CPU को भी यहाँ पर ठीक करेगा इसको कम्प्लीट तरीके से, मतलब कि यहाँ पर जब CPU को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो सबसे पहले यहाँ पर हटने वाला है, साथ साथ यहाँ पर जो भी चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर हटने वाला है। क्योंकि एक से एक लिंक है, जब हम चार्ज करते हैं तो उस टाइम यहाँ पर जो हीटिंग का इशू है वो यहाँ क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही हीटिंग होने लगता है उसके लिए यहाँ पर जो चार्जिंग का स्पीड है वो यहाँ पर स्लो हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर CPU को अगर यहाँ पर ठीक कर देता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो अब जिस टाइम आप ब्राउजिंग करोगे या फिर आप अपनी सोशल मीडिया ऐप के अंदर आप वॉच करोगे या फिर देख रहे हो तो किसी वीडियो वगैरह ऑनलाइन YouTube के अंदर, तो अब यहाँ पर देखना कि जो फ़ोन है वो थोड़ा बहुत हीटिंग होता है, तो इसको यहाँ पर कम्प्लीट तरीके से फिक्स्ड करेगा, तब यहाँ पर किसी तरह से मतलब जो कि हीट वगैरह नहीं होगा जब CPU को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो ये जो अपडेट है अक्टूबर महीने का, इस अपडेट के अंदर मेजर इंप्रूवमेंट लेकर आ रही है, साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स भी आएगा और परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। साथ साथ यहाँ पर जो भी बग वगैरह रहेगा वो भी यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया जाएगा, साथ साथ इनहेंस भी करेगा, वो तो आप लोग को पता ही होगा हर अपडेट के अंदर करता रहता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जब अपडेट आएगा तब तो अपडेट करूँगा मेरे फ़ोन के अंदर, इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी यहाँ पर अभी तक भी तो मैं आप लोगों को बता दिया अक्टूबर महीने के अपडेट के बारे में, और जब अपडेट आएगा एक्चुअल में यहाँ पर अपडेट करूँगा, इसके बाद ही यहाँ पर पूरे तरीके से पता चलेगा एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या आउटपुट निकल कर आई है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा सकते हो और एक लाइक कर सकते हो, लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, घर में रहना और सेफ रहना।